नमस्कार, फिर दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। केंद्र सरकार को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई जल्लीकट्टू पर रोक। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को करारा झटका देते हुए तमिलनाडु में सांडों को काबू में करने के बहुप्रचलित खेल जल्लीकट्टू के आयोजन को अनुमति देने वाली सरकारी अधिसूचना पर मंगलवार को अंतरिम रोक लगा दी। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने भारतीय पशु कल्याण बोर्ड और पशुओं के संरक्षण के लिए काम करने वाली प्रमुख संस्था पीपुल्स फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स पेटा तथा ऐसी ही कई अन्य संस्थाओं द्वारा सरकारी अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और तमिलनाडु सरकार समेत कुछ ऐसे राज्यों को नोटिस भी जारी किया है जहां जल्लीकट्टू का खेल आयोजित किया जाता है। न्यायालय ने इन सभी पक्षों से एक सप्ताह के भीतर अपना जवाब देने को कहा है। सीरियाई स्कूल पर रूसी विमानों ने बरसाए बम, 12 बच्चों की मौत। सीरिया के अलेप्पो प्रांत स्थित एक स्कूल पर संदिग्ध रूसी विमानों के हमले में कम से कम 12 स्कूली बच्चों की मौत हो गई। हमले में स्कूल की एक अध्यापिका की भी मौत हो गई। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट के अनुसार यह हमला अलेप्पो शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर अंजारा टाउन स्थित एक स्कूल पर हुआ। हालांकि रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से अभी हमले के बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी देने वाली एक चिट्ठी ने रेलवे अधिकारियों और सुरक्षा एजेंसी के बीच हलचल मचा दी है। सूत्रों के मुताबिक बिलासपुर रेलवे स्टेशन मास्टर के नाम रायपुर से आए इस गुमनाम पत्र में मासिक पास धारक यात्रियों के खिलाफ यात्रा के दौरान पेनल्टी नहीं काटने की मांग की गई है। साथ ही रोजाना यात्रा करने वालों को परेशान नहीं करने को कहा गया है। मांग नहीं माने जाने पर यात्री गाड़ी के डिब्बों के साथ स्टेशन और अधिकारियों के निवास को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। महाराष्ट्र में भी भाजपा को झटका, नगर निकाय चुनाव में करारी हार। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में 345 वार्डों के लिए हुए नगर परिषद एवं नगर पंचायत चुनावों एवं उपचुनावों में 105 वार्डों में जीत दर्ज कर शानदार प्रदर्शन किया है, जबकि राकांपा और शिवसेना क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रही और भाजपा को चौथे स्थान पर रहकर मात्र 39 सीटों से संतोष करना पड़ा। गणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार कांग्रेस 105 वार्डों पर जीत दर्ज कर पहले, राकांपा 80 वार्डों पर जीत के साथ दूसरे और शिवसेना 59 वार्डों में जीत के साथ तीसरे स्थान पर रही। भाजपा को सबसे बड़ा झटका अहमदनगर जिले के जामखेड़ और चंद्रपुर में लगा। जामखेड़ गृह राज्य मंत्री राम शिंदे का गृह नगर है, जबकि चंद्रपुर का प्रतिनिधित्व महाराष्ट्र के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार करते हैं। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।